हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसियों में से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी एक रहने वाली है। DSSSB की भी एक वैकेंसी आएगी, तो तैयार आपको रहना है, अपने आप को तैयार करना है, मजबूत करना है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करूं, 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया। प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट फॉर्म को भर लीजिए। तो सुनहरा मौका है, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट करके जिले का नाम जरूर लिखें। आपको लगता होगा कि जिले का नाम लिखने से क्या बदल जाएगा, क्या चीजें जो है आसमान फट जाएगा क्या? नहीं, आसमान तो नहीं फटेगा, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट आई है ना, उसी के बदौलत आई, उसी कमेंट के बदौलत आई है। तो जब भी आप कमेंट करते हो तो मैं रिसर्च करता हूं और फिर इस तरह की रिक्रूटमेंट आपके सामने लाकर रखता हूं। तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें। आपके जिले से जब भी प्राइवेट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो, या फिर एडहॉक बेस वैकेंसी हो, या परमानेंट वैकेंसी आती हो, उसकी सूचना आपको यहां से दी जाती है। तो चलिए नीचे कमेंट करके फटाफट अपने जिले का नाम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहली बार जो लोग आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार की जरूरत है इस दुनिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे मैं आपको PDF की ओर लेकर चलूंगा। ये देखिए, ये रहा इसका PDF, ठीक है। अब यहां से देखिए जो वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता देता हूं। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए रिक्रूटमेंट है और UR यानी कि जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 सीट है, SC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 सीट है। टोटल 3 सीट आपको देखने को मिलेगा। सैलरी 22,000 रुपये। PCM आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ काम आपका बन जाएगा। साथ में कोई भी टेट पास होना जरूरी है, चाहे वो UP टेट हो, MP टेट हो, झारखंड टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, फर्क नहीं पड़ता है, टेट होना जरूरी है। आगे देखिए, और BEd का होना जरूरी है। याद रखिएगा, BTC वाले इन पोस्ट को नहीं भर पाएंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 2 जनरल कैटेगरी से वैकेंसी है, 1 OBC कैटेगरी से। टोटल 3 वैकेंसी है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ZBC आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। आगे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए रिक्रूटमेंट आई है और एक पोस्ट जो है यहाँ पे आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, ये ओबीसी के लिए है। यहाँ से जो है आप देख सकते हो, ये ओबीसी वर्ग के लिए है। 22,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करी है, BEd और कोई टेट पास कर रखा है Paper 2 का, काम आपका बन जाएगा। इसी तरह से हिंदी के लिए 1 रिक्रूटमेंट है और 1 रिक्रूटमेंट ही यहाँ टोटल आई हुई है। 22,000 रुपये सैलरी, हिंदी और संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन, BEd और कोई भी टेट Paper 2 का पास कर रखा है, काम आपका बन जाएगा। कला क्राफ्ट और संगीत ग्रीशिल्प के लिए 4 रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों जनरल कैटेगरी से वैकेंसी आई है, यानी कि कोई भी से अप्लाई कर सकता है। 9,800 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। कला क्राफ्ट, संगीत या ग्रीशिल्प विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन करा है और Paper 2 जो है क्वालिफाई कर लिया है, काम आपका बन जाएगा। अंशकालिक शिक्षिका के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, जिसे PET बोला जाता है या फिर शारीरिक शिक्षक बोला जाता है। 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी जो है SC के लिए आई हुई है। फिलहाल मैं देख कर ही आपको बताऊंगा, OBC के लिए है। तो टोटल 2 वैकेंसी है। 9,800 रुपये आपको यहाँ भी मिलेगा। BPED आपने कर रखा है, आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर की एक रिक्रूटमेंट आई है, 9,800 रुपये में आप इस 9,800 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, 9,800 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। इसी तरह से उर्दू के लिए भी एक रिक्रूटमेंट है, 13,200 रुपये आपको दिया जाएगा। और जो अकाउंटेंट है उनके लिए 11,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आगे देखिए, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी के रिक्रूटमेंट है। देखिए, इन पोस्ट को आप लोग नहीं भरोगे मुझे पता है, लेकिन आपके गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं या फिर आपके घर के आसपास के लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनके फॉर्म को प्लीज भर दीजिए। उनकी जो है थोड़ी हेल्प आप कीजिए, मानवता के नाम पर आप पर वो आश्रित हैं। तो अगर आप उनको यहाँ पे जॉब लगा दोगे तो वो आपका भगवान ही समझेंगे। तो प्लीज अगर आप एक भी पोस्ट के लिए किसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जॉब हो ना हो, प्लीज आप अपने स्तर पर इसे जरूर देखना। आपके आसपास बहुत गरीब लोग मिल जाएंगे आपको। आगे देखिए, मोटे अक्षरों पर जो बड़ा सा लिफाफा आप लिखोगे, मोटे अक्षरों पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे सपोज कर लो मैं TGT मैथ के लिए जा रहा हूं, तो मैं TGT मैथ्स लिख दूंगा ऊपर में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो OBC लिख दीजिए, अगर आप UR से बिलोंग करते हो तो UR लिख दीजिए, या SC या फिर ST, जो भी आपका है बस एक ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, 11 महीने 29 दिन के लिए ये आपको रखेंगे और आयु की गणना 1/4/2023 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 45 साल की रखी गई है। अब देखिए, स्वपता जो लिफाफा
है आपको वो दो लिखना है, दो लिखना है और उस पर डाक टिकट भी लगाना है। एक्चुअली ये बताते नहीं है, तो 50 रुपये का डाक टिकट आप लगा देना, दूरी हो तो दिक्कत हो जाएगी, 40-45 रुपये का डाक टिकट ये मांगते हैं, तो प्लीज 50 का या 45 का टिकट आप लगा देना। अब देखिए, सभी शैक्षणिक जो अंक पत्र है ना उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, यू आई मीन सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। मैट्रिक से यानी कि टेंथ के सर्टिफिकेट से लेकर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है वहां तक आप लिखोगे, बीएड भी आप लिख दोगे। बीएड के अलावा जो आपको लिखना है, बीएड के अलावा जो है आपका जो टेट की परीक्षा है वाली वो है, वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आगे देखिए, अलग अलग अगर आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। याद रखिएगा, अपूर्ण और हस्ताक्षर नहीं होगा तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। आखिरी डेट देखिए 6/1/2024 है, 1 जनवरी तक ही, और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको फिल करके भेज देना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे फिल करके भर देना है। ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर से ये रिक्रूटमेंट आई है। जैसे और भी जगहों से रिक्रूटमेंट आती है तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी। इस चैनल पे बने रहना है आपको। अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।